अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। घटना क्या घटी? एक दिन मेरे प्रभु श्री राघव जी पुष्पों का चयन करके और मेरी मां जानकी के लिए अपने हाथों से आभूषण बनाए। निज कर भूषण राम बना, क्या बनाए? मांग टीका बनाई फूलों का, गजरा बनाया, कर्ण फूल बनाया, हार बनाई, बाजू बंद कंगन बनाया, करधनी बनाई, पांव के लिए पायल बनाई। और बनाने के बाद मेरे प्रभु सीत ही पहिराए प्रभु साध। आदर पूर्वक मेरे प्रभु एकांत में, लक्ष्मण भैया नहीं है यहां पर, एकांत में प्रभु मेरी मां का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करके स्फटिक शिला पर विराजमान हुए। कभी अवसर लगे चित्रकूट जाइए तो वो स्फटिक शिला स्थान आज भी है, दर्शन करिएगा। और भगवान की इस लीला को पूरा देवलोक देख रहा है ऊपर से। यहां मैं आपसे एक निवेदन करूं, कई लोग घर परिवार में कहते हैं पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाबा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मां को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम सिखाएंगे पिताजी को कैसा करना चाहिए। है? जिसने बोलने का ढंग सिखाया, बड़े होकर उसी से कहते तुमको बोलने का ढंग नहीं आता है। ये प्रसंग कहता है जीवन में जब श्रेष्ठ का कोई आचरण अपने समझ में ना आवे तो ये ना माने कि श्रेष्ठ ने गलत किया, वहां ये मानना चाहिए कि अभी हम इस व्यवहार को समझने लायक नहीं हुए हैं, अभी हमारी बुद्धि ऐसी नहीं हुई है कि हम इस बात को समझ लें। होता क्या है, हम उल्टा श्रेष्ठ पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ये घटना यहां घटी। देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जयंत। जयंत ने देखा, कहा मन में, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है, मैं पता करूंगा इनमें कितना बल है। अब मूर्ख जयंत कौआ बन के नीचे आया, अब मेरी सीता मैया के पांव में चोंच से मार के भाग गया। अब आप सोचो, नकली चेहरा बना के आया किसके सामने? राम जी के सामने, सीता जी के सामने। राम जी सीता जी माया है, राम जी माया के पति हैं। न सीता जी के आगे किसी की माया चलती है, न राम जी के आगे माया चलती है। माँ का श्रृंगार करके भगवान माँ को देख रहे हैं, माँ जयंत को देख रही हैं। जयंत सोचता है मैं कौआ बन के आया हूँ, माया का रूप लगा के कोई पहचान नहीं रहा है। और सीता मैया सोच रही है इंद्र का बेटा जयंत आज कौआ बन के क्यों घूम रहा है, ये तो कौआ बना है। अभी माँ सोच ही रही थी मूर्ख आया, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण। और आप दर्शन करिए, ये प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दर्शा रहा हूं। हम जब छोटे होंगे, छोटे थे मां की गोद में, और मां जब अपना अमृत कलश हमको पान कराती थी तो हम अपने छोटे छोटे पांव से मां के शरीर पर कितना प्रहार किए होंगे। भाई बाप, मार खा कर भी भोजन देने की शक्ति धरती पर किसी के पास है तो मां के पास है, इसके अलावा ये शक्ति किसी के पास नहीं है। मां क्षमा की मूर्ति होती है। जयंत ने मारा, मेरी मां ने क्षमा कर दिया। आप पढ़िएगा, सीता मैया ने राम जी से नहीं बोला। सीता मैया सोची कुछ भी है तो मेरी ही संतान है ना, मैं यदि जगत जननी हूं तो मेरी ही संतान है, मोह में मार दिया है, प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु इसके प्राण ले लेंगे। मां ने क्षमा कर दिया, लेकिन रक्त की धारा जब निकली और भगवान के शरीर को रक्त ने स्पर्श किया, भगवान सब जान गए। कुशा की चटाई पर बैठे थे भगवान, दो कुशा निकाले, एक कुशा को झुका के धनुष बनाया। कुशा समझते हैं ना, उसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है, झोपड़ी छाई जाती है उससे।
एक कुशा को धनुष बनाया, दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे प्रभु ने छोड़ दिया। किसी ने कहा महाराज वही धनुष था राम जी, असली धनुष बाण चला देते बाण। भगवान बोले नहीं, कौआ बन के आया है, कौआ के लिए कुशा बहुत है, और मेरा बल देखने आया है जयंत। आज पता चलेगा जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं उनके भुजाओं में कितना बल है, इस मूर्ख को आज पता चलेगा। चला दिया प्रभु ने प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, चला भांज पायस भय पावा, डर गया हो पिता के पास गया। इंद्र ने कहा जल्दी भागो, तुमको रखूंगा मैं भी मरूंगा, भागो यहां से। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने पूछा किया क्या है तूने, पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, जल्दी भागो नहीं तो दूसरा मैं छोड़ूंगा। पहुंचा कैलाश बाबा के पास, हर हर महादेव रक्षा करिए त्राहिमाम बाबा। बाबा त्रिशूल लेके बैठे, आओ आओ ढूंढ रहा था तुम्हें को, आओ इधर आओ। गोस्वामी जी कहते हैं तीन लोक चौदहों भुवन भागा, परंतु काहू बैठन कहाँ न ओही। पूरी सृष्टि में किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भाग रहा है। और यहां दर्शन करिए, ये प्रमाण है जब हमसे पूरा संसार आंखें फेर लेता है, जब हमारे ऊपर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, तब जाकर भगवान के भक्त संतों की दृष्टि पड़ जाया करती है। और वही यहां हुआ, संत की दृष्टि पड़ गई जयंत पर। कौन संत? नारद। नारद देखा कि बिकल जयंता, लागी दया को मल चेत। नारद जी को दया आई, बोली अरे जयंत रुको रुको कहां भाग रहे हो। कहा रोकिए मत, रुका कि मरा। पूछा नारद जी ने तूने किया क्या है, तो मैंने सीता जी के पांव में कौआ बन के चोंच से मार दिया है, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और नारद जी आज पता चला विपत्ति में कोई अपना सगा नहीं होता है, मेरे पिता ने मुझे ठोकर मारा है आज। नारद जी बोले जयंत संसार वाले मारते हैं तो रघुनाथ जी बचाते हैं, तुमको तो पुत्र रघुनाथ जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाने वाला मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बोलूं, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा है। जयंत बोला पीछे मेरे पड़ा है कि आपके, कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले पुत्र मारना होता तो कब का मार दिया होता, तुम पिता के द्वार पर खड़े भय वहीं मार देता, ब्रह्मलोक जाकर रुके वहां मार देता, जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी खड़ा हो जाता है, पीछे देखो। जयंत देखा अरे ये तो रुका हुआ है। जयंत ने कहा मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है। नारद जी बोली वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम ही सुनने को तैयार नहीं हो। वो कहना चाहता है जयंत संसार में कहीं भी जाओगे बच नहीं पाओगे, यदि बचना चाहते हो तो जिन रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं रघुनाथ जी के शरण में लौटकर वापस चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। ये तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है। नारद जी ने तुरंत पठवा तुरत राम पही गया। जयंत जाकर पहला काम किया, चरणों में लौट गया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहि त्राहि दयाल रघुराय, प्रभु रक्षा करिए प्रभु रक्षा करिए। राम जी बोले फिर आ गया, क्यों आया था पहले तू, सीता जी के पांव में चोट से क्यों मारा। जयंत ने कहा प्रभु आपका प्रभाव देखना चाहता था। भगवान बोले प्रभाव देखने आया था तो रुकना चाहिए, भगा क्यों। जयंत ने कहा प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के भग गया मैं। भगवान बोले कहां तक दिखाई पड़ा प्रभाव। बोला तीन लोक चौदहों भुवन।
जहां भी गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले, प्रभाव देखने आया था, दिखाई पड़ गया, अब क्यों आ गया है? बोला, प्रभु अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। स्वभाव का पता दूर से नहीं चलता है, पास आके चलता है। आपके श्रीमुख वचन है, कितना भी बड़ा कोई अपराध किया हो, आए शरण तजो नहीं ताहो। जीवन में कोई भी अपराध हो गया हो, आपसे बतावें, मेरे रघुनाथ जी अपने जन का अपराध देखते ही नहीं है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो अपराध देखने वाला चश्मा राम जी के पास नहीं है। सुनि गुण साधु सभा सनमाने, भरत जी कहते हैं, मेरे जैसे पापी को भी मेरे भैया साधु कहते हैं, गुण का स्मरण करके। रघुनाथ जी दोष नहीं देखते, इसलिए शरण में जाइए। जयंत कहता है, प्रभु वो स्वभाव अभी भी है कि आपने चेंज कर दिया है? मैं आपकी शरण में आया हूं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। भगवान दोष नहीं देखते, ये भगवान का स्वभाव है। भाई बाप, ऐसा स्वभाव आप कहीं नहीं पाएंगे, और जीवन में प्रयास करिए आपके साथ जो लोग जुड़े ना, वो आपके प्रभाव को देख के ना जुड़े, आपके स्वभाव को देख के जुड़े। क्यों? प्रभाव आज है कल नहीं रह सकता है। आप बड़े अधिकारी बन जाइए, बस प्रभाव बड़ा हो जाएगा, लोग ढूंढ ढूंढ के आपसे अपना संबंध निकालेंगे। आप हमको नहीं पहचाने, हम आपके मामा के, जीजा के, फूफा के, सार के नाती हैं, अब लगाइए संबंध। लेकिन ये जितने संबंध निकाल रहे हैं, इनको तब ढूंढिएगा जब आप उस कुर्सी से नीचे उतर जाइएगा। दिया लेकर ढूंढने से कोई दिखाई देने वाला नहीं है। आपके स्वभाव को देखकर आपके साथ जो जुड़ेगा, वो जीवन की आखिरी श्वास तक जुड़ा रहेगा, क्यों? स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं है। मेरे रघुनाथ जी का स्वभाव है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, है? ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया। गुरुदेव भगवान चित्रकूट सरकार। ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। जयंत भगवान के चरणों में आकर गिरा है, बगल में मेरी मां जानकी बैठी है। मेरी माँ तब चौंक पड़ी क्षण में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में। माँ चौंक पड़ी, भगवान ने चलाया बाण। सब लोक सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब पड़ा चरणों में। पूरी दुनिया घूमकर, ब्रह्मांड घूमकर आया वापस भगवान के चरण में। मेरी मां अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। मां ने कहा, भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मां
माँ ने कहा प्रभु इसको क्षमा करिए। और जैसे माँ ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं माँ भवानी से, देवी अपराध तो ऐसा किया था कि उसका प्राण ले लिया जाए, लेकिन मेरी किशोरी मैया ने जब कह दिया तो भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया है? केवल उसकी एक आंख निकाल ली, एक नयन करी तजा भवानी। इसलिए देखिए, कौवा होते दोनों आंख है कौवा के, लेकिन वो दोनों आंख का प्रयोग नहीं करता। एक समय में कौवा एक ही आंख का प्रयोग करता। कभी ध्यान से देखिए, कौवा जब देखता है या तो ऐसे देखेगा, अन्यथा ऐसे देखेगा। हम लोग सीधा देखते नहीं, देखता है ऐसे ऐसे करके देखता है। भगवान ने उसकी एक आंख निकाल ली। आंख क्यों निकाल ली? आगे कोई ये न कहे कि राम जी के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र विफल हो गया, उसकी महिमा बचाने के लिए। इस घटना के बाद राम जी सतर्क हो गए सीता मैया को लेकर।